नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना अमर भारद्वाज। आज के इस वीडियो में अपन रिव्यू करने वाले हैं 2023 लेटेस्ट मॉडल रॉयल इनफील्ड मीटियोर 350 का टॉप एंड वेरिएंट। के अंदर आपको काफ़ी सारे फीचर्स एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं बेस एंड सेकंड टॉप मॉडल से। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इस बाइक की 2023 लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस एंड क्या फीचर्स आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं इसके बेस मॉडल एंड सेकंड टॉप मॉडल से, वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिए। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको टोटल तीन कलर मिल जाते हैं। सुपरनोवा जो आज अपने सामने खड़ा है, इसमें आपको ब्राउन कलर भी मिल जाता है, इसमें आपको एक रेड कलर और देखने को मिल जाता है। पर्सनल फेवरेट मुझे इस बाइक के अंदर ये कलर है जो काफी अच्छा लगता है। अब बात लेते हैं इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की, तो 2,67,000 रुपए की आपको बाइक ऑन रोड मिल जाती है जयपुर सिटी के अंदर। अब बात कर लेते हैं सुपरनोवा के अंदर आपको क्या एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो इस बाइक के अंदर सबसे बड़ा अंतर जो देखने को मिलता है दोनों वेरियंट से, वह है इस बाइक के अंदर आपको ड्यूल टोन कलर मिल जाता है एंड टॉप एंड वेरियंट के अंदर आपको क्रोम का अच्छा खासा यूजेस देखने को मिल जाता है। अगर क्रोम लवर हो तो बाइक आपको काफी पसंद आने वाली है। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको एक और फीचर्स देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आपको ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम इस बाइक के अंदर मिल जाता है, जो कि सिर्फ आपको मीटियोर 350 के टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ही मिलता है। देखते हैं फ्रंट में आपको इस बाइक के अंदर 2023 में रॉयल एनफील्ड क्या ऑफर कर रहा है। तो टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ ट्रांसप्लांट ग्लास मिल जाता है। अभी इस बाइक में इंस्टॉल नहीं है, मैं आपको इमेज बता दूंगा, इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपको जो ब्रेक एंड जो लीवर ये देखने को मिलते हैं, ये भी आपको स्टील मेटल क्रोम फिनिशिंग के साथ में मिल जाते हैं। आप इस बाइक की को ऑन करते हो तो फ्रंट में आपको जो DRL लाइट देखने को मिलती है ये ऑन हो जाती है। हेलोजन हेडलाइट का सेटअप आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है, ऑन करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो जैसे ही आप इस बाइक के इंजन को स्टार्ट करते हो तो इसकी जो हेलोजन हेडलाइट ये ऑन हो जाती है। बाइक के फ्रंट में आपको यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग वाले नॉन फ्लेक्सिबल हेलोजन टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक के अंदर आपको हजार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप इस बाइक के चारों इंडिकेटर को एक साथ ऑन कर सकते हो। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, 41 mm फोर्क 130 mm ट्रेवल सस्पेंशन के ऊपर आपको यहाँ पे दोनों तरफ रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक के फ्रंट में आपको 300 mm की डिस्क देखने को मिलती है। आपको बाइब्री के कैलिवर मिल जाते हैं, ड्यूल चैनल ABS के साथ में आपको बाइक मिल जाती है। इसके फ्रंट में टायर सेक्शन की बात करूं तो 190/19 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल के अंदर मिल जाते हैं। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर आपको जो अलॉय व्हील है यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। टैंक के ऊपर रॉयल एनफील्ड का बड़ा सा लोगो देखने को मिलता है, जिससे इस बाइक का जो लुक है काफी अच्छा खासा निकल कर आता है। इस बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो 15 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस बाइक की मिल जाती है। यहाँ पर आपको क्रोम का कवर देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन की, तो इसके अंदर आपको 349.34 cc का एयर ऑयल कूल इंजन आपको इस बाइक के अंदर मिल जाता है, जो 20.21 PS की पावर जनरेट करता है, 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 5 गियर्स आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। इस बाइक के अंदर आपको किक का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। इस बाइक के माइलेज की बात करूं तो ये बाइक आपको 35 से 40 का माइलेज इजीली निकाल कर दे देती है, अगर आप इस बाइक को 60 से 70 की स्पीड में चलाते हो तो। साइड में आपको इस बाइक के अंदर मीटियोर 350 की ब्रांडिंग मिलती है, आपको स्टिकर के फॉर्म में मिल जाती है। इस बाइक की सीट हाइट की बात करूं तो 765 mm की सीट हाइट आपको इस बाइक के अंदर मिलती है। सस्पेंशन की बात करें तो इसके रियर में आपको 6 स्टेप एडजस्टेबल प्रीलोडेड सस्पेंशन मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको बाइब्री के कैलिवर देखने को मिलते हैं, 270 mm के डिस्क आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिलते हैं। इसके रियर में टायर सेक्शन की बात करूं तो 140/70/17 inch के ट्यूबलेस टायर आपको इस बाइक की रियर प्रोफाइल के अंदर मिल जाता है। रियर में भी आपको इसके अलॉय व्हील के ऊपर क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है एंड इस बाइक के अंदर आपको रियर में पिलियन के लिए बैकरेस्ट देखने को मिल जाता है। आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर इनबिल्ट देखने को मिलता है। इस बाइक के रियर में आपको गोल्ड सी हैलोजन टेल लाइट देखने को मिलती है, जिसके ऊपर आपको क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है। रियर में आपको नॉन फ्लेक्सिबल हैलोजन टर्न इंडिकेटर देखने को मिलते हैं, जो कि आपको क्रोम फिनिशिंग के अंदर मिलने वाले हैं। दूसरी तरफ आपको इस बाइक के अंदर लेडीज फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो इसके अंदर आपको आधा एनालॉग और आधा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको स्पीड लिमिट देखने को मिलती है, क्रोम का वर्क आपको यहाँ पे मिल जाता है, लो फ्यूल वार्निंग, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ये बाइक कौन से गियर में चल रही है वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा जब आप इस बाइक को राइड करोगे तो। स्टल क्लॉक आपको इस बाइक के अंदर मिल जाती है, हजार्ड का ऑप्शन का साइन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको न्यूट्रल की लाइट, ABS लाइट, चेक इंजन लाइट जैसे फीचर्स आपको इस बाइक के अंदर मिलते हैं। इस बाइक के अंदर आपको ट्रिपल नेविगेशन का सिस्टम मिल जाता है, जो कि आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ही देखने को मिलता है। इस बाइक के अंदर आपको सिंगल हॉर्न सुनने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको पासिंग लाइट्स के स्विचेस देखने को मिलते हैं। इंजन किल स्विच आपको इस बाइक के अंदर मिल जाते हैं। एक बार मैं आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ, तो चलिए करते हैं बाइक के इंजन को स्टार्ट। कुछ इस तरीके का एग्जॉस्ट नोट आपको इस बाइक का सुनने को मिल जाता है। तो ये था इस बाइक के स्मॉल से रिव्यू। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही बाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलते रहे।